आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज सेवा लाइव टीवी में आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सारी पार्टियां हर तरीके से जीतने का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी तेल के बाद अब समाजवादी गैस सिलेंडर को लेकर दिव्यांग सपा नेता ने सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर बेचकर सरकार को आईना दिखाया है। दिव्यांग सपा नेता ने मात्र 499 रुपए में जनपद के मवई ब्लॉक के बाबूपुरा ग्राम सभा में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को समाजवादी घरेलू गैस सिलेंडर बांटा है। गैस सिलेंडर पर सपा का स्टीकर चिपकाया है जिसमें 3 प्रमुख समाजवादी पार्टी की घोषणा का जिक्र है। दिव्यांग नेता पंडित समरजीत सिंह ने बताया कि जब सिलेंडर 400 रुपए का था तो भाजपा के लोग सिलेंडर की महंगाई को लेकर रोना रोते थे। आज सिलेंडर 950 रुपए का है तो गरीब ग्रामीण जनता चूल्हा और लकड़ी जलाकर खाना बनाने को मजबूर है। ऐसे में हमने समाजवादी सिलेंडर सस्ते दाम पर ग्रामीणों को बेचकर राहत देने का काम किया है। साथ ही सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि जनता अब इस सरकार में कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, अब वह इस सरकार का अत्याचार और सहने वाली नहीं है। वहीं बताया जाता है कि 2022 के चुनाव में अखिलेश को जिताने का मन बना लिया है। 2022 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर गरीब को राहत देने का काम करेगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। देखिए, जब 400 रुपए में सिलेंडर बिकता था तो यही भाजपा सड़कों पर नौटंकी की नाच करती थी। आज जब अपनी सत्ता पे आ गई तो यही 400 का सिलेंडर 950 में जनता को देकर गरीबों को लूटने का काम कर रही है। आज बरसात की वजह से, पैसे महंगाई की वजह से हमारे गरीब भाई लकड़ी कंडी पर तथा गैस चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को समाजवादी गैस सिलेंडर 499 रुपए में राहत देकर उनको, उनके परिवार को भोजन बनाने के लिए हमने सिलेंडर वितरित किया है। और हम आज यही सरकार से मांग करते हैं कि बस बहुत हो गया आपका अत्याचार, बस कुछ ही समय और बचा है। यही हमारी गरीब जनता जो आज भुखमरी की कगार पर है, 2022 के चुनाव में इस भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अयोध्या, फैजाबाद।